जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को बता दें एसएससी एमटीएस 2022 का टायर वन का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। सीबीएसई एंड सीबीएन का भी रिजल्ट हवलदार वाला जो है इसी के साथ में अनाउंस कर दिया गया है। टोटल देख सकते हैं एमटीएस के लिए अगर हम बात करें तो 44,590 कैंडिडेट को पास किया गया है और हवलदार के लिए बात करें तो टोटल 24,570 कैंडिडेट को पास किया गया है। तो अलग अलग यहाँ पर कैंडिडेट को पास किया गया है जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। आगे देख सकते हैं पूरी डिटेल आप सभी को बता दी गई है और यहाँ पे पेपर सेकंड के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार वो सारी इन्फॉर्मेशन हम सभी को दे दी गई है। एमटीएस के लिए एंड द पीएसटी एंड पीईटी के लिए भी जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप सभी को दी गई है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि एमटीएस के लिए पेपर सेकंड होना है, वहीं पर आप सभी हवलदार के लिए आप जानते हैं कि आपका पीएसटी एंड पीईटी होगा और पेपर सेकंड भी आप सभी का यहाँ पर होना है। तो उसके लिए जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं 5/7/2022 से लेके 26/7/2022 तक जो आपका पेपर चला था और यहाँ पर रिजल्ट भी देख सकते हैं। जो कैंडिडेट यहाँ पे जिनके ऊपर कोई प्रॉब्लम हुई है उनकी डिटेल भी यहाँ पे दी गई है और डेट देख सकते हैं 7/10/2022 यानी आज ही की डेट में अभी थोड़ी देर पहले आप सभी का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं एनेक्सर वन में जो कट ऑफ है आपकी पोस्ट फॉर द एमटीएस के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे चंडीगढ़ की 18 से 25 साल के लिए कितनी गई है, यहाँ पे 87 गई है। इसी तरीके से सभी स्टेट की कट ऑफ देख सकते हैं, राजस्थान की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पे 86 गई है और बाकी की जो कैटेगरी हैं वो भी देख सकते हैं। बिहार की देख सकते हैं 18 से 25 में 92 यहाँ पे टोटल कट ऑफ यहाँ पे गई है। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल की कट ऑफ यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं 18 से 25 में 90 गई है और वहीं पे 18 से 27 में 94 गई है। तो ये कट ऑफ कंप्लीट यहाँ पे आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम लोगों का सलेक्शन हो गया होगा, तो जिनका सलेक्शन हो गया उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और जिनका नहीं हुआ बस तैयारी करें और फ्यूचर में डेफिनेटली आपका एक ना एक दिन सलेक्शन जरूर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबसे पहले आप सभी को अपडेट मिल रही होगी। वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।